हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइबर किंग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे रियलमी UI 2.0 और कलर OS 11 में आप पेड थीम्स को फ्री में यूज कर सकते हैं। आप थर्ड पार्टी थीम्स को भी इस ट्रिक के मदद से फ्री में यूज कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जो पहले वाला ट्रिक जो रियलमी UI 1 में और कलर OS 7 में वर्क करता था, वो ट्रिक अभी रियलमी के द्वारा और ओप्पो के द्वारा फिक्स कर दिया गया है। और उस ट्रिक के मदद से आप थीम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप थीम को अप्लाई करते हैं उस ट्रिक के हेल्प से, तो 5 मिनट का जो ट्रायल आता है उसके बाद से वो फिर से थीम अपने डिफ़ॉल्ट थीम पे रिसेट हो जाता है। तो इस ट्रिक को आप यूज करेंगे तो आप इजीली पेड थीम्स को यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये ट्रिक कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आपको दो चीज़ों को डाउनलोड करना पड़ेगा। एक पहला जो रियलमी UI का जो थीम स्टोर है, उस थर्ड पार्टी माने थीम स्टोर है, उसको मोड किया गया, उसको आप डाउनलोड करना पड़ेगा। और दूसरा आपको आई मोड प्रो डाउनलोड करना पड़ेगा, और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है और जहाँ पे आपने थीम स्टोर जो डाउनलोड किया होगा उसको APK को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। और इसको डाउनलोड करने के बाद से आपको डन कर लेना है। उसके बाद से आपको iMed Pro को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सीधा जाना है, थीम स्टोर को ओपन करना है। और थीम स्टोर को ओपन करने के बाद से आपका जो थीम हो वो, या जो आप थर्ड पार्टी थीम डाउनलोड किए होंगे, तो यहाँ पे मेरे पास फ्यूजन UI VIP थीम है। तो आपको मैं थर्ड पार्टी थीम को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। आपको इस पर क्लिक करना है और ट्राई मी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे थीम अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे थीम 5 मिनट के ट्रायल के लिए अप्लाई हो गया। उसके बाद से आपको जाना है आई मोड प्रो ओपन करना है। और ये यहाँ पे जो ये ब्लू निगेटिव साइन वाला मार्क दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब तक यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा परमानेंट एक्टिवेटेड। इसके बाद से जो थीम है वो कम्प्लीटली अप्लाई हो चुका है और आपको इस पर ट्रायल देखने को नहीं मिलेगा। मैं वीडियो स्किप करके थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि टाइम है वो 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। फिलहाल अभी 10 मिनट हो चुका है और जो थीम है 100% वर्क कर रहा है। अब चलिए इसको चेक करने के लिए एक और तरीका, आप अपने थीम स्टोर को खोलिए, माय रिसोर्स में जाइए। अब जैसे जाएंगे माय रिसोर्स में, आप देखें जो आपका जो डिफ़ॉल्ट थीम आता है रियलमी UI 2 के साथ वो अप्लाइड है। और इस ट्रिक को ये भी तरीका 100% प्रूफ करता है। बट ये जो ट्रिक है एक डिसएडवांटेज के साथ आता है, वो कि जैसे कि आप थीम स्टोर अपना खोलते हैं और जो ऑफिशियल थीम्स आता है आप सर्च मार के ढूंढना चाहेंगे तो वो शो करेगा नो डाटा और नो कंटेंट। ये प्रॉब्लम इस थीम स्टोर का आता है। अगर आप चाहते हैं आप कोई भी ऑफिशियल थीम को यूज करने को, तो आपको सिंपली जाना है अपने एम मैनेजमेंट में और यहाँ पे थीम स्टोर को सर्च मार के निकाल लेना है और आपको इसको अनइंस्टॉल कर देना है इस अपडेट को। जैसे ही आप इस को अनइंस्टॉल कर देंगे, आप अपने थीम स्टोर को खोलेंगे तो देख सकते हैं जो ऑफिशियल थीम है वो सारी आ रहे हैं। फिर से आपको जब पेड थीम यूज़ करना हो तो आप जो फिर से मैंने थीम स्टोर का लिंक दिया था उसको इंस्टॉल कर लीजिए और जो मैंने ट्रिक बताया उसे अप्लाई कर लीजिए। उस तरीके से आप पेड थीम्स को भी 100% तरीके से यूज कर पाएंगे। अगर ये ट्रिक आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।